LG 72 पे दिखाओ, कैबिन सीट रिस्टोर करना, कैबिन रिस्टोर करना किस शेयर को कहा जाता है? ये हैं LG 72 की रियर सीट। अब ये आपका कन्वेंशनल सीट कवर वालों के काम है। ये सीट पहले कभी फोम, क्योंकि अब ये फोम बिल्कुल फर्क हो गया, ये पहले कभी बैठा होगा तो ये एक जी लेयर डाल दी फोम सीट जी, वाह वाह। ये फिर वो भी बैठ गया क्योंकि तो उसके ऊपर अजीम आदमी ने एक और लेयर चिपका दी। बट मतलब दिस नॉट बैड, ये जो रेगुलर आपके एवरीडे जो काम होते हैं, मतलब टिपिकल सीट कवर चेंज का काम जो है वो ऐसे। पीपल आस्क अस कि भाई आपके प्राइस के ऊपर है सीट कवर बनाने की, तो यू गाइज हैव गॉट टू अंडरस्टैंड वी नॉट जस्ट मेकिंग सीट कवर्स, वी आर रीस्टोरिंग सीट्स। कैसे, आओ मैं दिखाऊं। अभी हमने दो सीट्स खोली हैं, ठीक है, जो रियर वाली थ्री डोर की के जो रियर सीट्स होती है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा स्क्रैच। ये फोम, ये हम फोम ब्रांड न्यू फ्रॉम स्क्रैच हम इसको फैब्रिकेट करके उसमें डालेंगे। ये अभी उनकी बैग्स पड़े हुए हैं, आओ मैं चल के दिखाता हूँ। वो छाप नहीं तो डाचा, ये इधर इज वेयर द रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन। इनके कुछ बेल्ट्स खराब हुए हुए थे जिसके वजह से इनमें प्लेस भी थे, प्रॉब्लम्स थे, हमने उनको भी रिपेयर किया अंदर से। मशीन इनकी लकीली ठीक थी, वरना पर हमें ये मशीन हम स्पेयर पार्ट में लेकर उसको चेंज करते। और अब इनको एंटी रस्ट कर रहे हैं। ये अभी मैं पहले दिखा नहीं सका, ये जैसा रस्ट है ये ऐसे ही रस्ट पूरी सीट्स पे था, ये हाथों से साफ हुआ। ये शाम से इनकी इनकी क्लीनिंग जारी है सारी, और ये अब जाके क्लीनिंग कंप्लीट हो सकती। तो अब ये इनकी बेसिस अलग इंडिविजुअली रिस्टोर हो रही है। ये स्प्रिंग्स जो इसके कुशन के नीचे सपोर्ट स्प्रिंग्स होते हैं, ये अभी हम इनको भेजेंगे रीटेंशनिंग के लिए। देखो ये अभी हो गए सॉफ्ट, देयर वे टू स्लॉपी, तो इनको भेजेंगे कि इनमें थोड़ी सी टेंशन, मतलब स्प्रिंग का अपना स्पेशलिस्ट आदमी होता है, देयर इज नॉट आवर स्पेसिफिक ट्रेड, हम उसके पास भेजेंगे, वो इसको टेंशन देते हैं, गर्म करते हैं और बेसिकली टैम्पर करते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा उसके स्ट्रेंथ दोबारा से रीबिल्ड हो जाती है। और फिर देखो ये सीट्स के चैनल्स हैं नीचे वाले दोनों, ये अलग खुल के वॉश हो के अब ये अलग पेंट होंगे, तो व्हेन वी विल बी पुटिंग द सीट्स बैक देयर विल बी न्यू सीट्स, देयर विल बी लाइक न्यू सीट्स एट लीस्ट इंशाल्लाह ताला। तो ये टिपिकली वाली बात नहीं है कि सिर्फ सफाई सुथराई हो गई है, इस तरह यू नो ये वो नहीं है, ये सीट रीबिल्ड करना है मेरे भाई। यही वो कोर डिफरेंस है जो कि स्टैंडर्ड सीट कवर, हम लोग भी स्टैंडर्ड सीट कवर फैब्रिकेट करते हैं स्टैंडर्ड बिजनेस, और वो हम बहुत सस्ते करते हैं जनरली। जैसे कार शार हो, सेडान कार जो है उसका एवरेज 12 से 20 हज़ार रुपये तक का सीट कवर, डिपेंडिंग कैसा डिज़ाइन है क्या है। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, नथिंग बिग। लेकिन जब आप बात करते हैं प्रोजेक्ट को रिस्टोर कर, जब मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसके सीट कवर का कोट कभी भी ऐसा नहीं दूंगा कि मैं थूक पॉलिश करूँ, क्योंकि आई एम बिल्डिंग दैट व्हीकल इन साइड आउट। माई क्लाइंट इज स्पेंडिंग अ हेल लॉट ऑफ मनी, वी आर स्पेंडिंग अ हेल लॉट ऑफ एनर्जी। ये पैशन ड्राइव के ऊपर काम है, अब अगर पैशन में अगर डंडी मार लो तो फिर तो लानत नहीं होगी ऐसे पैशन पर, यही गेम है। अभी ये सीट्स जब रेडी होना शुरू होंगे तो इंशाल्लाह ताला वो वाला पार्ट भी दिखाऊंगा, देन यू गाइस विल अंडरस्टैंड व्हाट्स हाउ इज दिस डिफरेंट। सिर्फ मटेरियल की क्वालिटी है, वर्कमैनशिप, लेबर टाइम इनहेंस, लेबर टाइम बढ़ता है उसके ऊपर पैसे बढ़ते हैं, नोबडी वर्क फ्री, एवरीवन कर बी पेड, दैट्स द होल गेम। ये है चक्कर, come and see for yourself, don't believe me.
अभी ये पीछे जैदी साहब कंप्लीट होते हैं तो मैं बताता हूँ LJ72 की और डिटेल्स कल दूंगा। अभी उसको हमने वो पीछे अभी मेरे पीछे पर्दे में चली गई है वो। क्या ये हो गए तो समय ये इतना इतना बाहर क्यों लटका है भाई? हाँ हाँ तो डॉग ये इतना बाहर क्यों आ रहा है? ये बाहर है थोड़ा, क्यों है ये इतना बाहर? हैं ये उस्ताद उस्ताद एक मिनट आओगे इधर? ये पाइप थोड़ा सा बाहर है और मुझे लग रहा है अगला गला जो हुआ है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़े से बोल्ट को चाल देनी पड़ेगी पाइप अंदर से। लेकिन फर्क है उस्ताद, अभी इसकी ऊपर की ट्रे नहीं, उसामा ऊपर की ट्रे मत लगाना, फुटबोर्ड की ऊपर की ट्रे अभी मत लगाना, अभी वाली साइड कर ले फिर। इसको देख इसमें कोई फर्क आ, इस पे नहीं आएगा फर्क, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा फर्क है। चलो शाबा बेटा इधर भी आ जाओ, ये साइड भी फिट कर। ये एक टेक्निकली तो ओरिजिनल पेंट वाली ऑल्टो आई है, लेकिन करते हुए आ रहे हो। और ये टॉप ऑफ द लाइन नहीं काम हो, हम कर नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर टाइम लाइन रिस्ट्रिक्टेड है बहुत बुरी तरह। हम फिर भी इसको फाइबर वाली जुगाड़े नहीं कर रहे, लेकिन देखो छत कितनी गल गई है। इफ यू डाउन, ये नीचे से ये जो है इसके, ये इसका हेडलाइनर, हेडलाइनर का पीछे का वो है लाइनर, वो सामने नजर आ रहा है। ये पीछे अभी पीछे की है तो वो छोड़ो, दिखाता हूँ किस तरफ पूरी छत। और जुल्म देखो क्या है कि अभी ये तो खैर नहीं हुई, लेकिन ये अगर बाय मार्केट में जाती देखो इट्स गॉन कम्प्लीटली, पूरी छत इसे कंप्लीट गॉन। सितम सिर्फ ये है कि अगर मार्केट में जाए हमारे मार्केट वाले लोग इसको फाइबर फाइबर पट्टी से फिलिंग करके और उसको पेंट करके दे देते हैं यार। खैर हम इसको पैचवर्क करेंगे और इसका जहाँ जहाँ से ये जैसे हमने अभी इसका रियर डोर उतरा हुआ है वो अभी उसकी पीसिंग ही हो रही है, वो अभी चल के दिखाता हूँ। और जैसे अभी ये तो अभी बिल्कुल कच्चे कच्चे पीसेस लगे हुए हैं इधर, ये अभी सफाई शफाई होनी है इनकी। लेकिन हम भी टॉप लाइन काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम टाइम से बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। वी ओनली हैव 7 days टू गेट दिस व्हीकल ऑन बैक ऑन द रोड। फीमेल ड्राइवर की एक गाड़ी है, शी हैज अ लॉट ऑफ कंसर्न, तो उसके बड़े यूज किए और आई रिस्पेक्ट दैट। अभी हम इसका एक साइड का रनिंग बोर्ड पूरा चेंज कर चुके हैं, ये जिसको साइड स्कर्ट या देसी जबान में फुटपाथी कहते हैं मार्केट में। ये रियर व्हील आर्च भी इसका पूरा पीसअप हो चुका, ये साइड स्कर्ट पूरा इसका चेंज हो गया। और अब इसकी ये अभी इधर की पीसिंग शुरू की है, लेकिन अंदर भी अभी बहुत काम है, लॉन्ग लॉन्ग वेट हुआ। अभी जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करते हैं। सबसे बड़ी वजह जो है ना इस रस्ट की वो ये मट्टी है। हम समझते हैं कि ये मट्टी इज जस्ट गंद, दिस इज मॉइस्चर ट्रैप, यानी इसके अंदर मॉइस्चर फंसता है और मॉइस्चर को हवा लगती है तो केमिस्ट्री जिस जैसे बड़ी है उसको पता होगा कि ऑक्सीडाइजेशन होती है रस्ट का। ये रहेगा रस्ट रहेगा। अब ये भी जो देखो तो ये देखो इसमें गंद कितनी मट्टी जमा, ये तो अब यहाँ से सफाई हो चुकी है क्योंकि काफ़ी, तो ये देखो जहाँ जहाँ नहीं हुई भी वहाँ वहाँ देखो कितनी मट्टी और इस रस्ट का कॉज ये और कोई कॉज नहीं है। गाड़ी को सर्विस कराना, वॉश कराना, गाड़ी को का मुंह धुलाना नहीं है, इट्स टेक्निकली एक बॉडी मेंटेनेंस का हिस्सा। हम लोग कहते हैं ना कि यार आज मैं डेट पर जाऊँगा या आज कोई इवेंट है या आज कोई शादी है गाड़ी वॉश करा लूँ, that's okay, that's perfectly okay, but that's what you call a body wash karana to sahi hai, wo to ek aesthetic hai aur wo isme bhi assist karta hai, lekin jo pressure wash hota hai jisko hamare paas locally service kaha jata hai, yani jack ke upar chadha ke jo service karne wala mamla hai, wo ek maintenance item,
को आपकी गाड़ी को मेंटेन करने में असिस्ट करता है, प्रिवेंटिव यानी इस तरह का रफ फॉर्मेशन इन चीज़ों को बचाता है। और उस वो जो लोग वो करवाते हैं वो प्लीज़ ऑयल लगवाना बंद करें, ऑयल ना लगवाए करें। जो ये काम मट्टी करती है वही सेम काम ऑयल करता है। ऑयल सिमिलर केस में, सिमिलर एब्सोल्यूट सिमिलर केसेस में ऑयल के अंदर भी पानी ट्रैप होता है, जहाँ भी ऑयल कहीं पर फंस जाए। ऑयल में पानी कैसे ट्रैप होता है, क्योंकि ऑयल मट्टी को अट्रैक्ट करेगा जल्दी, मट्टी अट्रैक्ट होगी, मट्टी में मॉइस्चर ट्रैप हो सकता है, मॉइस्चर ट्रैप होगा उसको हवा लगेगी, हवा लगेगी ऑक्सीडाइजेशन। ये अभी थोड़ा सा ना बाहर लग रहा था, और ये है वो इसलिए क्यों बॉयज ने अंदर की फिटिंग में एडजस्टमेंट है, वो फिटिंग ज़्यादा अंदर करती है कि आगे से पाइप थोड़ा सा बाहर करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वाला वेंट बाहर आएगा, ये जो कर्व है उस कर्वेचर की वजह से ये पाइप पीछे पुश होने को अटेम्प्ट करेगा। देखो ना ऐसे लगे हुए में यू विल रियलाइज कि ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसी को ही अमेंड करना है। अभी ये साइड भी हो जाए और फिर ये साइड भी अकॉर्डिंगली हो जाए तो फिर करते हैं। ये दूसरी साइड पे बॉयज फिटमेंट पे आ गए, ये फिट करें तो फिर साथ साथ ही रियर बम्पर भी माउंट करवाएं ताकि और आगे बढ़ जाए। ये इसके साइड रेल्स आ गए दोनों, फुटबोर्ड्स, रनिंग बोर्ड्स, फुट पेरियाँ जो चाहें, दूसरा साइड रेल आ गया, दूसरा रनिंग बोर्ड फुटबोर्ड आ गया दूसरी साइड पे। ऑल्दो इस गाड़ी का प्रोजेक्ट जैदी का हम फाइनल वीडियो भी कर चुके हैं, बट आई थिंक दिस व्हीकल इज गोइंग टू नीड अनदर फाइनल एपिसोड। ये इसका पिछला रियर हेमर भी आ गया, ये उस्ताद ने ब्रैकेट फैब्रिकेट करके हमारा हाई लिफ्ट जैक भी ऊपर माउंट हो गया। लुक्स फकिंग फिनोमिनल यार, ब्रिलियंट, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गाड़ी आया है। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि ये क्या कहते हैं उस्ताद, दूसरा जेएमआर होगा ऐसा कोई? अपने नाम का एक ही है। ये सेफ टू से है कि ये इस स्केल का, इस एक्सेसरी लेवल का, इस स्केल के बिल्ड का, ये सेफ टू से है, बिल्कुल सेफ टू से है कि दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड एंड इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इस गाड़ी का एक पूरा कंप्लीट हमें फाइनल एपिसोड दोबारा करना पड़ेगा, थैंक्स टू मुसव्वर भाई, क्योंकि उन्होंने अभी इसके ऊपर और सामान इतना ऐड करवा दिया। हालांकि दिस वाज डिलीवर्ड, काम की बात यह है कि ये पूरा गाड़ी डिलीवर हो चुका था, अभी नहीं होना था डिलीवर, डिलीवर हो चुका, पहली मेंटेनेंस हो गई, फिर उन्होंने कहा नहीं यार अब हम साइड रेल्स भी डालेंगे, फुटबोर्ड भी डालेंगे, ये मैंने मतलब हाई लिफ्ट जैक भी ले, तो ये सब लाके माउंट करके आज फिर इसके अल्टरेशन हुई, ये सब ऑल ऑफ दीज फिटिंग्स हैव बीन अल्टर्ड, सारी ये सारी चीज़ें अल्टर हुई हैं, फिर ये फ्रेश पेंट हुई है, पेंट होकर दोबारा से माउंट ऑन हुई है।
यार ये ना लड़कों, ये टेप लगा हुआ है इसके ऊपर, उस साइड पे भी इस टेप उतार देना यार। दोनों साइडों पर से टेप उतार देना यार। लोहे के आदमी की अगर ब्रांडिंग नजर ना आए तो फिर क्या फायदा। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। तो चलो स्टे ट्यून, इसका एक और फाइनल वीडियो करेंगे। लेट्स टेक इट टू अ न्यू डेस्टिनेशन फॉर शूट। एडवाइस करो, बताओ कौन सी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, कमेंट्स में बताओ। वेयर शुड वी डू इट्स सेकंड एपिसोड ऑफ इट्स ऑफ सिनेमैटिक्स ऑन प्रोजेक्ट जैदी। एडवाइस करो किधर करें, लोकेशन बताओ कराची के वेयर अबाउट। यू आर बेस्ड इन कराची, हम कहते हैं इसको लेट्स टेक इट ऑफ रोड। सजेस्ट अस, लेट्स डू दैट। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग अस।